के महत्व को स्वीकार किया है, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार हों, एक बड़ी जानकारी गौतम बुद्ध नगर एक उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो पहुंचा रहे हैं। श्रावस्ती को लेकर बड़ी जानकारी, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश को लेकर जो रुझान है वो भी आ रहे हैं। झांसी उत्तर प्रदेश अनुराग शर्मा भाजपा, तो ये लगातार एक एक सीटों को लेकर पूरे देश को लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी कलन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इसे एक आप रिवाइवल की शुरुआत कह सकती हैं, और शुरुआत ही उनकी एक बहुत अच्छे तरीके से हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके शुभचिंतकों में एक निराशा का माहौल था, खासतौर से अभी बतमान मुश्किल पौने दो वर्ष पहले हुए विधानसभा के चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत खराब हालत में पहुंचाया था। उसे मात्र 2% के आसपास जो वोट मिले थे, उसके बाद एक बैग जो कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होता है और जिस तरीके से लीडरशिप उभर कर सामने आई है, मुद्दों को लेकर जनता से जोड़ने का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में, यानी जो आगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे वो, और एक और अच्छी बात ये हुई है कि गठबंधन में किस कोहेसिवनेस के साथ, किस एकजुटता के साथ काम किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। जो अब से पहले कई गठबंधनों में कांग्रेस पार्टी, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुकी है और अन्य राज्यों में गठबंधन कर चुनाव में गई है, लेकिन वहाँ उस एकजुटता का जो अभाव होता था वो अब समाप्त हो गया है, वो दिक्कत समाप्त हो गई है। पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बेहतर तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ी है, उसका नतीजा आज ये मिला है कि कांग्रेस पार्टी नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। जो अपना पारंपरिक दलित मतदाता था उसके एक बड़े हिस्से को अपने साथ लाने में कामयाब रही है, ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि के तौर पर गिना जा सकता है। इसको नज़रअंदाज करते हुए कि नतीजे बहुत सुखद उसके लिए, बहुत ज़्यादा सुखद तो नहीं कहे जाएंगे लेकिन फिर भी संतोषजनक कहे जाएंगे। जी शिकोर जी से भी समझना चाहेंगे, क्योंकि शिकोर जी देखिए यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अनएक्सपेक्टेड जो रुझान है वो अभी सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, तो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था इन 10 साल के अंतराल में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए मैं साफ तौर से ये कहूंगा, मैं आपके दूरदर्शन पे और कई चैनल पे जो मैं कहता था, जो मैं विश्लेषण करता था, वो बिल्कुल गलत निकला। मुझे मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। चुनाव शुरू होने से पहले मैं क्या कहता था, तमाम लोग ये बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आएगी, भाजपा की आत्मा यूपी है, भाजपा की उपलब्धियां यूपी में है। नावेद जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जी जुड़ गए। मनीष जी क्या कहेंगे, जिस तरह अमेठी और रायबरेली के रुझान हम अभी तक देख रहे हैं, देखिए अमेठी में तो कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए ये बहुत पहले से स्पष्ट था कि जिस तरीके से अमेठी की जनता को स्मृति ईरानी ने छला, झूठ बोला और उनका अहंकार चरम पर था, तो ये बहुत पहले दिन से स्पष्ट था कि वो चुनाव हम जीत रहे हैं और हमने वो चुनाव जनता के बीच में जाकर लड़ा और गांधी परिवार की वो सीट रही है, हमारा इमोशनल कनेक्ट है उससे जी। प्रियंका लगातार वहां प्रचार करती रही, राहुल जी भी वहां पर गए और हमने अपील की वहां से कि जिस तरीके का विकास अमेठी में हमने किया, रायबरेली में हमने किया, आज भी अगर आप अमेठी और रायबरेली जाएं तो वहां पर जो भी फैक्ट्रीज लगी हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स लगे हैं वो गांधी परिवार द्वारा लगाए गए हैं वहां पर जी। 5 साल में स्मृति ईरानी ने एक काम किया, एक बढ़िया शानदार 15,000 square feet का आलिशान मकान जरूर बनवाया अपना, और ये नहीं पता है वो कहां से बनवा पाई। वो मनीष जी आपने इमोशनल फैक्टर की बात की, क्या वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है जब हम इन रुझानों को देख रहे हैं, तो इमोशनल फैक्टर अमेठी और रायबरेली की सीट से जुड़ा हुआ? देखिए एक बात समझिए, इमोशनल फैक्टर भी तभी काम करेगा जब आप जनता के बीच में रहकर जनता का कनेक्ट बनाए रखें।